दोस्तों, इस वीडियो में जो विद्यमान जो संविदा कर्मचारी है और जिनको संविदा सेवा नियम राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति मिली है, उन कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को लेकर गाइडलाइन जो है NHM द्वारा स्पष्ट की जा चुकी है। आप देख सकते हैं, NHM योजना अंतर्गत पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिक जिनकी नियुक्ति संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत दी गई है, उनके मानदेय भुगतान के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश जो है वो जारी यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं, संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्त संविदा कार्मिकों के मानदेय से NPS की कटौती की जानी है, अर्थात PF की कटौती नहीं की जानी है। सिर्फ पहले क्या है, प्रोविडेंट फंड जो EPF है या PF है, जो प्रोविडेंट फंड है वो काटा जाता था, लेकिन अब प्रोविडेंट फंड जो है वो नहीं काटा जाएगा। NPS की जो 10% की कटौती होती है सैलरी की, यानी कि आप अकाउंट्स असिस्टेंट हैं तो आपकी जो 16,900 रुपये प्रतिमा जो वेतनमान आपको दिया जाएगा उसका 10% यानी कि 1690 रुपये आपका NPS यहाँ पर कटेगा। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 में नियुक्त संविदा कार्मिकों को नियुक्ति आदेश में अंकित मानदेय समय पर दिया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपकी जो संविदा रूल 12 में जो नियुक्ति आदेश आपका जारी किया था, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट 16,900, ANM 13,150, GNM 18,900 रुपये, इस प्रकार से अलग अलग जो मानदेय है, ग्राम रोजगार सहायक का 10,400 रुपये, जो अलग अलग जो जारी किया गया था वो आपको टाइमली पेमेंट करने के लिए डायरेक्शन जो है यहाँ पर जारी किए हैं कि समय पर आपको पेमेंट करना है। साथ ही इन्होंने कहा है कि संविदा सेवा नियम 2022 में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय में NPS कटौती के लिए जो आरण वितरण अधिकारी हैं, जो DDO है, अपने स्थानीय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग NPS से संपर्क कर नियमित कर्मचारियों की भांति प्राण नंबर आवंटित कराकर उसके मानदेय से जो NPS की कटौती की गई है, कार्मिक और नियोक्ता का जो अंशदान है उसके प्राण नंबर में जमा करवाना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, अभी जो ओल्ड पेंशन है वो लागू कर दी है। ओल्ड पेंशन लागू करने से पूर्व कर्मचारियों का जो नियमित कर्मचारी है उनका NPS काटा जाता था और NPS के लिए प्राण नंबर आपसे जारी होते थे। प्राण नंबर मैं बता दूँ, संबंधित DDO आपका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा या आप संबंधित जो SIPF हैं, जो SIPF डिपार्टमेंट है उससे संपर्क करके भी आप अपने प्राण नंबर जारी करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन जो DDO की आजकल जो साइट है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन भी आवंटित करवा सकते हैं। प्राण नंबर ऑनलाइन आवंटन करवाने या फॉर्म के माध्यम से आवंटन करवाने के बाद में जो NPS की जो राशि है, चाहे वो कर्मचारी का अंशदान हो चाहे वो नियोक्ता का अंशदान हो, वो NPS की जो खाता है, प्राण संख्या है, उसमें जमा किया जाएगा। साथ ही यदि कर्मचारी के जो संविदा कर्मचारी हैं अगर उसकी सैलरी निर्धारित मापदंडों से ज़्यादा है, निर्धारित मापदंड कौन से, मैं बता दूं, इनकम टैक्स विभाग के जो गाइडलाइन है कि एक कर्मचारी जो है निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ज़्यादा कमाता है तो उसकी आय से TDS की कटौती भी की जाएगी। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्त कार्मिक को एक वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने पर मासिक मानदेय में 5% की अभिवृद्धि यहाँ पर की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्त सभी कार्मिकों के सेवा रोल एवं व्यक्तिगत पत्रावली का नियमित कार्मिकों की भांति संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि चाहे वो सर्विस बुक, सीधा सीधा ये इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि जो सर्विस बुक है वो मेंटेन की जाएगी, पर्सनल जो फाइल है वो यहाँ पर मेंटेन की जाएगी। साथ ही संधारित की गई व्यक्तिगत पत्रावली में नियुक्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेज, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित दस्तावेज, नियुक्ति पत्र, कार्यग्रहण रिपोर्ट आदि आवश्यक रूप से समायोजित की जाएगी। इसी प्रकार से जो संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको अन्य जो सभी लाभ हैं प्रावधान अनुसार वो दिलाए जाएँ। आप देख सकते हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो हैं मिशन निदेशक हैं NHM, उनके अनुसार जो संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो कर्मचारी अडॉप्ट हुए हैं उनके लिए किस प्रकार से क्या कटौती होगी, NPS की कितनी कटौती होगी, TDS की क्या कटौती रहेगी, साथ ही जो वार्षिक अभिवृद्धि है वो कितनी होगी, प्राण नंबर कैसे जारी होंगे, इसके अलावा आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जारी नियुक्ति आदेश में वर्णित अनुसार मानदेय के भुगतान हेतु वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि के लिए पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के अनुसार उपलब्ध कराई गई बजट राशि का उपयोग लिया जाए।
साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि होने के कारण यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो आप औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भिजवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एनएचएम डायरेक्टर ने यहाँ पर जो गाइडलाइन है संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों की, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जारी कर दी है। इन्होंने कहा है कि आपको एनपीएस की कटौती करनी है 10%, साथ ही एनपीएस की कटौती के लिए आपको प्राण नंबर की आवश्यकता है। प्राण नंबर जो है आप एसआईपीएफ विभाग से संपर्क करके नियमित कर्मचारियों की भांति जारी करवा सकते हैं। साथ ही यदि संबंधित कर्मचारी जो मानदेय कर्मचारी हैं उन पर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं तो आपको टीडीएस की कटौती करनी है, मानदेय में 5% की अभिवृद्धि करनी है, साथ ही जो सर्विस बुक है वो मेंटेन यहाँ पर होगी, व्यक्तिगत पत्रावली जो है वो मेंटेन यहाँ पर होगी, संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अन्य अगर कोई प्रोविजन के लाभ यहाँ पर इनको दिए जाते हैं तो वो भी यहाँ पर इनको दिए जाएँ। साथ ही इन्होंने कहा कि आपको मानदेय संबंधी जो बजट है वो पहले अलॉट किया जा चुका है, यदि संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि के कारण आपको अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है तो आप प्रस्ताव जो है वो निदेशालय को भिजवा सकते हैं। तो बड़ी अपडेट दोस्तों, एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान ने जो अपने कर्मचारी हैं जो संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट हुए हैं उनको लेकर बड़ी राहत यहाँ पर दी है। समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी सी मचोज राजस्थान को पत्र लिखते हुए 1156 नंबर जो पत्र है वो 6 जुलाई 2023 को जारी किया है, जिसमें बड़ी यहाँ पर राहत इन्होंने दी है। नियुक्त जो संविदा सेवा नियम 2022 में जो नियुक्त कर्मचारी हैं जो लंबे समय से जो गाइडलाइन को लेकर स्पष्ट थे, जो मन में भ्रांतियाँ पाले हुए थे, उनको लेकर यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो जारी हो चुके हैं। किस प्रकार एनपीएस की कटौती होगी, किस प्रकार प्राण नंबर जारी होंगे, सर्विस बुक मेंटेन होगी या नहीं होगी, इसके अलावा अन्य जो इनके संबंधित जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे माइंड में, उनका आज स्पष्टीकरण जारी हो चुका है। कर्मचारियों के लिए एनपीएस की कटौती होगी, अर्थात प्रोविडेंट फंड की कटौती नहीं होगी, एनपीएस की कटौती होगी, मानदेय समय पर दिया जाएगा। एनपीएस के लिए एसआईपीएफ डिपार्टमेंट से नियम जो रेगुलर कर्मचारी को प्राण नंबर आवंटित होते थे इसके लिए भी यहाँ पर प्राण नंबर आवंटित होंगे, एनपीएस की राशि प्राण नंबर में जमा की जाएगी। आयकर के नियमों के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अगर आपकी आय निर्धारित सीमा से ज़्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। वार्षिक रूप से 5% मानदेय की वृद्धि की जाएगी, सर्विस बुक मेंटेन होगी, साथ ही जो सर्विस बुक है साथ ही जो पर्सनल फाइल है उसमें आपके नियुक्ति आदेश रूल 12 में दस्तावेज कार्यग्रहण रिपोर्ट अन्य स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो यहाँ पर लगे हुए होने चाहिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।